शहर की नागरी असुविधाओं की फेरस्ती में शुक्रवार को एक और समस्या का नाम चिढ़ गया। दिग्रह शहर के शिवाजी चौक से मानोरा चौक के दरमियान पूजा गेस्ट हाउस के करीब जीवन प्राधिकरण की पाइपलाइन का वॉल्व टूटने से यहां शाम तक सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो चुका था। इस बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शाम 4 बजे पाइपलाइन वाल्व के अचानक टूटने से पानी का फव्वारा लगभग 30 फीट ऊंचा उड़ने लगा था। फव्वारे की ये उड़ानें आसानी से बिजली के तारों को छूकर खतरे का सबब बन रही थी, जिस वजह से इस रास्ते से गुजरने वालों में दहशत देखी जा रही थी। मालूम हो कि इससे पहले 10 जनवरी को मानोरा रोड पर महेश कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पास मुख्य रास्ते की पाइपलाइन फूटने की घटना सामने आई थी। तब भी न सिर्फ हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ था, बल्कि खेतों में पानी फैलने से आसपास के खेतों की फसलों को नुकसान हुआ था। बहरहाल अरुणावती बांध से निकलकर दिग्रस होती हुई यह पाइपलाइन वाशिम जिले में प्रवेश करती है, जिसके जरिए वाशिम जिले के मानोरा तहसील सहित अन्य 28 गांवों को जलापूर्ति की जाती है। उपरोक्त पाइपलाइन का वॉल्व टूटने से उक्त 28 गांवों की जलापूर्ति खंडित होने की आशंका है। वैसे इस घटना की जानकारी जीवना प्राधिकरण कार्यालय को दी गई थी, लेकिन देर शाम को खबर लिखने तक इसके मरम्मत और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए किसी तरह की उपाय योजना शुरू नहीं हुई। बहरहाल स्थानीय नागरिकों द्वारा उक्त पाइपलाइन की मरम्मत जल्द करने और वाल्व के बिगाड़ को दुरुस्त करने की मांग उठने लगी है।